अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व आल मोहम्मद कमा बारक अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। आज जो है हम बात करेंगे मशहूर फरिश्ता रफ़ाइल अलैहिस्सलाम, और इसको हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम रफ़ाइल है, आपको अक्सर इसका राफ़ेल रफ़ाइल इस तरह से नाम मिलेगा। और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अलिफ़ अलिफ़ का मौकिल है, और ये उन चार बड़े फरिश्तों में से है जिनको सारे फरिश्तों में बड़ा माना गया है, जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। इसे अल्लाह तबारक व ताला ने जब इस कायनात को बनाया तो इसको एक किस्म की कोई बांसुरी या कोई ऐसी चीज़ दी है जिसे अरबी में सूर कहा जाता है। वो सूर जब फूकेगा तो उसकी जो आवाज़ है उससे ये कायनात बनती या बिगड़ती है। पहली मर्तबा जब उस आवाज़ निकली तो वो कायनात बनी, और वो बनी है तो अभी चल रही है। ये पहली उसकी सूर फूकने का काम ये है कि ये निज़ाम चल रहा है। दूसरे सूर फूकने से ये फिर जो है सारी जो मखलूकात हैं ये फिर मर जाएंगी, और फिर तीसरे सूर फूकने से कयामत बरपा होगी। तो इन फरिश्तान उज़ाम में इसका नाम है, और सारे जितने भी आमलीन उलमा हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, जब बामोकल इसको पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं अजबिया इसराफ़ील बेहक अलिफ या अल्लाह, अजबिया इसराफ़ील बेहक या इलाह आलियत रफ़ी जलाल, या इस तरह से वो कोई ना कोई आयत या इस्म पाक अल्लाह तबारक व ताला का उसके साथ मिला के पढ़ते हैं, और ये इसी का ताल्लुक अलिफ से है। अलिफ का अगर कोई आमिल हो तो वो पानी को खुश्क करने की ताकत रखता है, यानी अगर दरिया में हो, समंदर में हो, उसको कहीं खुश्की करनी है तो वो उस टुकड़े को खुश्क कर सकता है। इसकी तासीरात में ये भी है, और इसके बहुत सारे फ्यूज़ व बरकात हैं, बरकत के लिए, रिज़्क के लिए, सेहत सलामती के लिए इसको पढ़ा जाता है, सहर व जादू की काट के लिए भी इसको पढ़ा जाता है। मैं जो बार बार वीडियोस में कहता हूँ कि बामोकिल पढ़ें तो उसका एक ये फ़ायदा होता है, एक आम पढ़ना होता है, और बामोकिल का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी साहिर हासिद ने कोई काला जादू किया है और किसी ने चौकी लगाई हुई है आपके ऊपर आपको नुकसान देने के लिए, तो अगर आप बामोकल पढ़ेंगे तो वो मोकल आते उसको ख़त्म करेंगे। ये फ़र्क होता है। आप बेमोकल अगर बग़ैर मोकल के पढ़ेंगे तो उसकी तासीर होगी लेकिन देर से होगी, और तब तक अगर किसी का सख्त जादू होगा तो आपको ऊपर पकड़ मजबूत कर लेगा। लेकिन अगर आप बामोकल पढ़ते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि जल्दी जल्दी उसका जो है इलाज हो जाता है और उसे शफा जल्दी मिलती है। तो इसको पढ़ना है अजबिया इसराफ़ील बेहक या अल्लाह, अजबिया इसराफ़ील बेहक या अहद, अलिफ से जितने भी असमा इलाही हैं वो सब इसराफ़ील के नीचे हैं। इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जो हैं अलिफ के नीचे जितने भी असमा हैं उनके नीचे जो है हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम या हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम की जो काबीना हैं जितने भी मौका फरिश्ते हैं
सब अल्फ के जितने भी असमा हैं उनके नीचे हैं और वो उन्हीं के जो हैं फ़राइज़ अंजाम देते हैं। जैसा कि आपको पता है सलासिल में अल्फ के साथ जो है इस्म पाक पढ़ाया जाता है, अल्लाह हो, कहीं पे अल्लाह हो पढ़ाया जाता है, कहीं अल्लाह हु पढ़ाया जाता है, लेकिन होता अल्फ के साथ है, और कहीं पे या अहद पढ़ाया जाता है, या अहद। तो ये सारे अस्मा जो हैं इसराफील अलैहिस्सलाम से टचे, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो सूर फूकेगा, वो आवाज़ निकालेगा तो वो कायनात फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा बनाए, दोबारा वो आवाज़ करेगा तो फिर जो है क़यामत का मैदान होगा और योम मैशर जिसे कहा जाता है वो होगा और सारे हिसाब किताब उसके अंदर होगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़।